अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। रायबरेली में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार। रायबरेली पुलिस ने गदागंज थाना क्षेत्र से एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। दोनों पर धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेजा गया है। पत्नी सुमैया खान बांग्लादेश के ढाका की रहने वाली है और उसने इसरार से निकाह किया था। सुमैया 2016 से यहां अवैध रूप से रही थी। दोनों के एक बेटी इनायत भी है। तस्वीरों में दिख रही महिला सुमैया है जो कि बांग्लादेश की निवासी है। वह उसके पास बैठा पुरुष इसरार है जो कि रायबरेली का रहने वाला है और उसने सुमैया से निकाह किया है। सुमैया की गोद में मौजूद बच्ची इन दोनों की बेटी इनायत है। पुलिस ने सुमैया व इसरार को अवैध रूप से भारत में निवास करने व फर्जी तरह से पासपोर्ट व अन्य कागजात बनवाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार इसरार रायबरेली के गदागंज के कुरौली बुटकर का रहने वाला है और नौकरी के सिलसिले में जॉर्डन गया था। वही उसकी मुलाकात सुमैया खान से हुई और दोनों के बीच प्रेम हो गया। बाद में इसरार ने उससे निकाह कर लिया और उसे रायबरेली ले आया। जन्हा ये पिछले 3 सालों से साथ रह रहे थे और इनकी एक बेटी इनायत भी है। मामले पर SP स्वप्निल मंगाई ने बताया कि जनवरी माह अधिसूचना विभाग से पत्र द्वारा सुमैया के विषय में जानकारी मांगी गई थी। जब मामले की पड़ताल की गई तो वो बांग्लादेश की निवासी निकली और उसके पति ने कूटरचित दस्तावेजों की मदद से उसका भारतीय पासपोर्ट बनवा दिया था। दोनों को धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। महिला को गिरफ्तार किया गया है बांग्लादेश। क्या पूरा मामला है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, किस आधार पर गिरफ्तार किया जी? देखिए, अभी पिछले माह जनवरी में एक पत्र हमें प्राप्त हुआ था अधिसूचना मुख्यालय से, पुलिस अधीक्षक F का, F मतलब फॉरेन शाखा। और उस पत्र में एक महिला है सुमैया बानो, जो हमारे यहाँ गदागंज क्षेत्र में निवास करती थी, उसके संबंध में जानकारी मांगी गई थी। जब हमने गहनता से इसमें जानकारी की तो ये पाया गया कि जो ये महिला है ये कलकत्ता एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ द्वारा इसको पूछताछ के लिए डिटेन किया गया था। और जब इसने जवाब दी उससे अथॉरिटी सेटिस्फाइड नहीं हुई, इसने अपना पता गाँव बांग्लादेश का बताया, लेकिन ये इंडियन पासपोर्ट को होल्ड कर रही थी। तो उस पर शंका हुई और इनकी सघनता से पड़ताल की गई। जब इनकी सघनता से पड़ताल की गई तो पाया गया कि एक व्यक्ति है मोहम्मद इशरार, जो रायबरेली का रहने वाला है, कुरौली गांव का गदागंज, उनके द्वारा सुमैया मानो से 2016 में निकाह किया गया था। और निकाह करने के बाद नियमानुसार जैसे शासन को सूचित किया जाता है प्रशासन को, वह इंडियन पासपोर्ट के लिए नए सिरे से आवेदन किया जाता है, उसमें उन्होंने प्रक्रिया को निर्धारित प्रक्रिया को पालन ना करके कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से, जैसे लोकल स्तर पर ID वगैरह बनवा के एक कूटरचित तरीके से एक फर्जी इंडियन पासपोर्ट बनाया। इस आधार पे दोनों ही मुलजिमों पर, सुमैया बानो और मोहम्मद इशरार पे, धोखाधड़ी की धाराएं, धारा 14 विदेशी अधिनियम और धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत मुकदमा किया गया है और दोनों को ही गिरफ्तार करके कल जेल भेजा गया है। बाकी विवेचना में जो अन्य तथ्य आएंगे उसमें लोकल स्तर पर अगर किसी और की भी सहभागिता होगी फर्जी पासपोर्ट बनवाने में भी, वो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मैंने तो सर से ही काम करते हैं, जिस दिन पकड़े थे वहाँ पर, तो सर वहाँ से हम भी गए थे, उनके घर पे गए थे, हम भी बांग्लादेश गए थे सर। जब ये गए थे जाने के 1 हफ्ते 10 दिन के बाद हम आए थे, फिर हम भी गए थे बांग्लादेश, हम 15 दिन में वापस आ गए थे, ये 2 महीने के बाद आएंगे सर। फिर वहाँ से अपने पासपोर्ट उसका पकड़ लिए, बोले भूषण से, तो बोले हमारा घर बांग्लादेश है।